मौसम देख सकते हैं, रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ का मौसम एकदम ही खराब है, यहाँ के कपड़े मैंने सारे अंदर ही डाल के रखे हैं। रात में खटिया मैंने यहाँ कर लिया था, मुझे लग रहा है पापा जी ने किया, खरगोश का कपड़ा धो के डालू। और जो बाहर थो खरगोश के कपड़े थे वो सारे भीग गए, किसी को पता ही नहीं था कि बारिश होने वाली है। हवा बहुत ठंडा चल रहा है, बहुत ठंडा हवा चल रहा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आप सभी का चैनल में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे रात भर बारिश हुई है और मैं दाल चावल चढ़ा के आई हूँ छत पे। मैंने सोचा आप लोग जब तक वो होगा तब तक मैं आप लोग से शेयर भी कर दूँगी और कपड़े भी डाल दूँगी सारे। यहाँ पर रात भर बारिश हुई, बहुत ठंडा हवा भी चल रहा है और मुझे भी रात जैसे नाश्ता का बच्चे लोग ने धो चाय और नाश्ता किया था वही धोना है, और रात के बर्तन तो मैं सुबह उठ के ही धो लेती हूँ। तो आज मैंने नहीं धोया था, कोमल ने धोया था, क्योंकि आज उसकी कोचिंग का छुट्टी हो गया था, मैसेज आ गया था, तो वो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मौसम बहुत तेज की बारिश स्टार्ट हो गई थी तो उसकी कोचिंग की छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ बारिश है, एकदम मतलब गीला गीला हुआ है और अब हवा चल रहा है। चल रही हूँ कपड़े में बाहर डाल दूँगी। बारिश अभी रुक गया है और हवा बहुत ठंडा चल रहा है, बहुत हवा ठंडा है, इसलिए मैंने यूँ साल ओढ़ा हुआ है। इतनी तेज़ ठंडा लग रहा है यहाँ पे हवा के वजह से, मतलब ठंडी जाके फिर वापस आ जा रही है। और रात सुबह कल तो इतनी धूप मतलब लग रही थी, इतनी धूप लग रही थी कि बैठना भी मुश्किल हो गया था। और आज देख सकते हैं एकदम मौसम ख़राब है। तो चलिए सारे कपड़े मैं बाहर कर लेती हूँ ताकि हवा से थोड़ा बहुत सूख जाए। वैसे धूप तो देखते हैं दोपहर तक होती है कि नहीं। मैंने सारे बाहर कर दिए हैं, चल रहे हैं नीचे और देख लेते हैं हमारी दाल चावल हो गई कि नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि दाल चावल रख के और फिर मैं कपड़े सारे बाहर कर दूँगी। यहाँ का पर्दा जो है हवा से गिर गया है, वो भी मुझे लगाना है। और लकी आज इसको मिल गया है, दाल हमारा हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था, दाल चावल हो रहा है, पूरा किचन क्लीन है, बस बर्तन धोना है मुझे। और रात में ऐसा हुआ कि हम सब्जी रख के भूल गए थे, मेरी पूरी सब्जी जल गई और पूरी एकदम कढ़ाई जल गई थी, तो वो भी मुझे अभी क्लीन करना है। अभी धीरे धीरे मैं करूँगी। यहाँ पे दाल चावल हो गया है, ठंड में तो आप लोग जानते हैं कुछ करने का दिल नहीं करता। गैस को मैंने बंद कर दिया, चावल हो गया, यहाँ पर दूध को भी गर्म कर दिया है। तो चलिए पहले मैं कढ़ाई धो लेती हूँ। Thank you.
चल रही हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि मैंने अभी एडिटिंग नहीं किया है, वीडियो आप लोग के लिए डालना है। तो चलिए फिर छत पे मैं देखने आई थी कि धूप हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने कपड़े फिर अंदर कर दिए थे, बहुत तेज झिसी आने लगे थे, बारिश होने लगी थी, तो मैंने सारे कपड़े अंदर कर दिए थे। अब कोई फ़ायदा भी नहीं निकाल के, क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं, 4 बजे थोड़ा बहुत धूप हुआ है और मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड नीचे लग रही थी, ऊपर धूप लग रहा है, नीचे ठंड लग रही थी। तो चलिए चलते हैं नीचे, अभी मुझे जाना है मार्केट। अगर मैं जाऊंगी तो ठीक है, नहीं गई तो कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं ही चला जाता हूँ। गोलू को लेना है कान में का और नाक में का, क्योंकि उसके खिल हम डाले थे, वो बार बार निकल जाता है, इसके लिए मैंने सोचा कि ले लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे लक्की के लिए बन रहा है टिफिन, क्योंकि लक्की जा रहा है आज, तो आज जा रहा है इलाहाबाद, वो अकेले नहीं जा रहा है, उसके साथ में उसके दोस्त भी हैं। और इलाहाबाद जा रहा है क्योंकि कल का नहान है वहाँ पे, कल है बसंत पंचमी, तो उसके दिन बहुत अच्छी नहान होती है, तो वहीं पे सब यहाँ पे मिल के जा रहे हैं वहाँ पे नहाने के लिए इलाहाबाद। मार्केट से आने के बाद ही मालूम पड़ा है कि लक्की जा रहा है इलाहाबाद, तो मैंने उसने कहा कि मम्मी पापा से पूछ भी लो और फटाफट मेरे लिए टिफ़िन बना दो। मैंने तो मजाक ही सोचा था, लेकिन फिर बाद में उसने कहा मैं सीरियस में जा रहा हूँ, सब लोग रेडी हो चुके, बस मैं ही पीछे हूँ, तो मैं आने के बाद बिना लेट किए उसके लिए टिफ़िन फटाफट बनाया। कोमल ने यहाँ पे पराठा बना दिया था और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना लिया था। तो सब्ज़ी में आलू का ही बनाने जा रही थी, देखा हरा मटर भी रखा हुआ था और बैंगन भी रखा हुआ था, तो उसी में मैंने
डाल के बिना लहसुन प्याज का बना दिया फटाफट। पसंद है जल्दी जल्दी बताइए। काली बर्फी, जैसे वो काला है लेकिन उसमें काजू बादाम सब पड़ा है, और ये बर्फी, ये भी बर्फी, ये लड्डू, लड्डू आज बनाएंगे पापा, पेड़ा पेड़ा, ये बर्फी। यहाँ पे ऐसी बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल, आप कैसे हैं बताना जरूर। आई होप आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, तो हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। अपना नाक दिखाओ। तो गोलू के नाक में और कान में पड़ी है, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कैसे कैसे हमने इसके कान में तो इजीली चला गया था, लेकिन नाक में मतलब बहुत छोटा सा इसने डाला हुआ था सीख, तो वो बहुत छोटा सा था, जैसे नथुनी टाइप का था। मैंने उस टाइम डाल दिया था, लेकिन अब जब डाल रहे थे तो ये थोड़ा मोटा है, तो बहुत तेज इसका दिख रहा था, लेकिन फाइनली चला गया। अब टेंशन नहीं है, अब सोने का हो गया। बहुत छोटा सा मैंने लिया था, इसका तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ दिख रहा है, बहुत छोटा सा मैंने लिया था। तो अभी मुझे तो दुकान हमारी बढ़ चुकी है, अभी चल रहे हैं बर्तन धोने। तो यहीं पे ऐसे बैठे हुए हैं, सोनम चाय लाई थी, चाय पी के यहीं पे बैठे हैं। तन्नू आई थी, बातें कर रहे थे, तो अब चल रहे हैं हम बर्तन धोने। तो यहाँ पे कोमल शाम का बर्तन धो रही है, मैं चल रही हूँ खाना निकालने। और लकी गया है आज घूमने, तो उसके टिफिन के लिए हमने बना लिया था पराठा, और यहाँ पे बनाया था सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी बना लिया था, बैंगन मटर आलू। और ठंड इतनी टाइम बढ़ रही है, अब मुझे टेंशन चल रहा है मेरा लकी, मतलब ट्रेन में जाना है, तो आज वो जा रहा है इलाहाबाद, क्योंकि नहान है और कल है, तो कल है बसंत पंचमी, इसके लिए वो लोग गए हैं, घूमने भी गए हैं, वहीं से घूमेंगे भी और नहाएंगे भी प्रयागराज में। तो कल वो है, तो बसंत पंचमी को नहान बहुत ज़्यादा होती है यहाँ से, किसान
और यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं, तो उन्होंने कहा कि लकी को भी हम लेके जाते हैं, तो लकी को भी लेके गए हैं। और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं अभी ट्रेन मिला है कि नहीं, क्योंकि अभी फ़ोन किया गया था तो 6:30 बजे का ट्रेन था, लेकिन आते आते 8 बज गया है। तो अभी हम फ़ोन लगाएंगे, पता करेंगे कि ट्रेन उनको मिली है कि नहीं। तो मैंने सोचा अब खाना, यहाँ पे कमल बर्तन धो रही है तो हम खाना गर्म करके सबको खाना दे देते हैं। पापा भी आने वाले हैं, मार्केट गए हैं, दुकान भी बढ़ चुकी है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट।